आइए आज हम बनाते हैं बिना गैस जलाए पीनट बटर चॉकलेटी बॉल्स। तो ये बनाना बहुत ही आसान है, तो आइए बनाना शुरू करते हैं चॉकलेटी बॉल्स। तो देखिए पीनट बटर बॉल्स बनाने के लिए हम ये लगभग एक कटोरी इस तरीके का पीनट बटर ले लेंगे, और ये डार्क चॉकलेट है ये हमने लिया है, आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं। और एक पैकेट बिस्किट का लिया हमने, आप कोई भी बचे हुए बिस्किट ले सकते हैं। और ये एक कटोरी हमने पिसी हुई चीनी लिया है। आइए बनाना शुरू करते हैं पीनट बटर बॉल्स। तो देखिए ये हमने लगभग एक कटोरी पीनट बटर लिया है, और ये हमने ये वाला पीनट बटर लिया है, इसमें हल्के हल्के पीनट के दाने रहते हैं, पीनट बाइट्स रहते हैं। और ये हमने शुगर फ्री पीनट बटर लिया है, आप अगर शुगर वाला पीनट बटर लेते हैं तो आप उसमें चीनी थोड़ी कम डालें। हमारा ये शुगर फ्री पीनट बटर है, इसलिए हमने इसमें एक कटोरी चीनी डाल लिया है, और थोड़ा सा ये नॉर्मल बटर डाल लिया है। देखिए ये सारी चीज़ों को अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे, चीनी को पहले बटर में हम अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। देखिए इसको हमने अच्छे से मिक्स कर लिया है। अगर आपको मिक्स करने में कोई दिक्कत आती है तो आप जो है इसको गर्म करके पिघला कर भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन उससे ये होगा कि आपको ठंडा करने में टाइम लगेगा। इसको हमने ऐसे ही मिक्स कर लिया है, गरम नहीं किया है, लेकिन आप इसको गरम कर सकते हैं। मिक्स करने के बाद अब ये बिस्किट हैं, इसके हम छोटे छोटे टुकड़े तोड़ लेंगे और इसको बारीक पीस लेंगे। आप चाहें तो कोई भी बिस्किट ले सकते हैं, मीठे बिस्किट, तो इस तरीके से छोटे छोटे, या फिर बचे हुए बिस्किट जो बच जाते हैं छोटे छोटे, तो उसको भी आप पीस सकते हैं। अब एक ग्राइंडिंग जार में डालकर हम इसको पीस लेंगे। देखिए बिस्किट को भी हमने भी इस तरीके से पीस लिया है। अब ये बिस्किट इसी में मिक्स कर देंगे, बिस्किट इतना ही मिक्स करें जिससे कि ये लड्डू बांधने में आसानी हो जाए, सिर्फ सूखा हो जाए, पीनट बटर ज़्यादा गीला ना लगे, उतना ही बिस्किट मिक्स करें, ज़्यादा बिस्किट मिक्स करने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसको हाथों से अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए हाथों से अच्छे से हमने मिक्स कर लिया है, अब इसके छोटे छोटे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे हम। इस तरीके से छोटे छोटे बॉल्स बना लेंगे, और अगर हाथों में चिपक रहा हो तो इस तरीके से नारियल का भूरा भी डाल सकते हैं आप। देखिए इस तरीके से हम सारे बॉल्स बनाकर तैयार कर लेंगे। देखिए इस तरीके से आप चाहें तो इसमें आप ये बादाम या किशमिश कुछ भी भर सकते हैं बीच में। तो देखिए इस तरीके से हम इसमें बादाम भरकर चारों तरफ से कवर कर लेंगे। तो देखिए ये बॉल्स हमने बादाम भर के भी बना लिया है, तो आप जैसे चाहें वैसे इसकी बॉल बना सकते हैं। इस तरीके से हमने सारे लड्डू बना लिए हैं, और अब हम इनको फ्रिज में रख देते हैं, जब तक ये ठंडे होंगे तब तक हम चॉकलेट मेल्ट कर लेंगे। देखिए लड्डू हमने फ्रिज में रख दिए हैं, अब ये चॉकलेट जो हमने लिया है इसको इस तरीके से ग्रेट कर देंगे। अगर ज़्यादा जमी नहीं है तो आप छोटे छोटे टुकड़ों में कट कर सकते हैं इसको, या फिर इस तरीके से ग्रेट कर सकते हैं तो पिघलाने में आसानी रहेगी। इस तरीके से सारी चॉकलेट को हम ग्रेट कर लेंगे। इस तरीके से हमने इसको ग्रेट कर लिया है, और आप चाहें तो इसको मेल्ट करके आप इसमें कोटिंग कर सकते हैं लड्डुओं में। तो देखिए ये हमने लड्डू फ्रिज से निकाल लिए हैं, लेकिन आज हम बिना गैस जलाए बना रहे हैं, इसलिए हम इनको इसी तरीके से ग्रेट करके अच्छे से कोटिंग कर देंगे इसमें लड्डुओं में। तो देखिए अच्छे से कोट हो जाएगी लड्डुओं में अब चॉकलेट। तो इस तरीके से देखिए चॉकलेट से कोट कर देंगे लड्डुओं को। तो आप चाहें तो ऐसे प्लेन ही सर्व कर सकते हैं, चाहें तो इस तरीके से चॉकलेट से कोट कर सकते हैं, या फिर आप इसको पिघला कर इसमें डिप करके वो भी कोट कर सकते हैं, लेकिन हम बिना गैस जलाए बना रहे हैं इसलिए इस तरीके से कोट कर देंगे सारे लड्डुओं में। देखिए इस तरीके से सारे पीनट बॉल्स हमने चॉकलेट से कोट कर लिए हैं। तो आप चाहे
इस तरीके से बनाइए या पिघला कर बनाइए। तो देखिए सर्व करने के लिए तैयार है पीनट बटर बॉल्स, ये बच्चों को बहुत अच्छे लगेंगे। और ये देखिए प्लेन भी हमने कुछ बना कर रखे हैं, आप चाहें तो ऐसे सर्व कर सकते हैं या फिर आप चॉकलेट लगा कर भी सर्व कर सकते हैं। ये आपकी इच्छा कि आपको कैसे बनाना है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको रेसिपी कैसी लगी।